अलवर जिले में अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। किशनगढ़ बास कस्बे में बस में चढ़ते वक्त एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और टायर के नीचे आने से उसकी जान चली गई। वहीं तिजारा कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई। किशनगढ़ बास कस्बा निवासी वेद प्रकाश की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। यह युवक नारियल बेचकर अपना गुजारा करता था। वह रोज की तरह आज भी कस्बे के बस स्टैंड पर नारियल बेचने के लिए निकला। इस दौरान नारियल बेचने के लिए तिजारा डिपो की चलती बस में वह युवक चढ़ा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और बस का पिछला टायर वेद प्रकाश पर चढ़ गया। इसके बाद घायल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे अलवर रेफर कर दिया गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं तिजारा थाना अंतर्गत नगीना गांव निवासी ईसब खान की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जान चली गई। वह सुबह अपने परिजन के साथ तिजारा हॉस्पिटल आ रहा था। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल हुए ईसब खान को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। या अलवर हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि ऐसे तुम्हारे थाने इलाके में एक्सीडेंट शुदा एक व्यक्ति भर्ती हुआ है, जो दौरान इलाज मृत्यु हो गई, तो पंचनामा कार्रवाई तो भेजा जाए। तो मैं रामपुर एसआई को वहाँ से रवाना किया। यहाँ के देखदर्शक गार्जियन मौजूद मिले तो उक्त व्यक्ति जो एक्सीडेंट शुदा आया था, इसका नाम है ईसब सनोफ हिम्मत, जाति मेव, उम्र 40 साल, निवासी खान मोहम्मदपुर का रहने वाला है। इसी पंचनामा की कार्रवाई कर दी गई है। जैसी रिपोर्ट दी जाएगी जैसी कार्रवाई। कटी घाटी के समीप टी पॉइंट पर मंगलवार सुबह पैदल घूमने गए एक वृद्ध को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बुजुर्ग को स्थानीय लोगों द्वारा सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। घायल वृद्ध मालवीय नगर निवासी वेद प्रकाश गुप्ता की पत्नी शांति देवी ने बताया कि उनके पति रोजाना घूमने के लिए कटीघाटी हनुमान मंदिर जाते हैं। मंगलवार सुबह भी वह घूमने के लिए घर से गए थे और इस दौरान वापस आते समय एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। क्या नाम? घूमने के लिए जाते हैं अच्छा। कटीघाटी में से आते टाइम बताने के बड़े क्या किससे एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने मारी है। ट्रक ने मारी किसी ने। तो हम एम्बुलेंस में तो पता नहीं किसी ने पहुंचा नहीं पता है। हमें तो वहाँ पता लगा कि वही चले गए हॉस्पिटल।